हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दैट कैन एग्जिस्ट विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O। तो हमें C5H10O एक फॉर्मूला दे दिया है और हमें बताना है हम इससे कितने पॉसिबल एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म करते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स होते हैं जहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे जो पांचों कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में हो और हमारे पास एल्डिहाइड हो जाएगी एक पॉसिबिलिटी। दूसरी तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर बन गया। या फिर क्या पॉसिबिलिटी है, जो हमारे कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में ना होकर कैसे हो, ब्रांच्ड हो। सपोज चार कार्बन चेन में है और एल्डिहाइड है और एक जो कार्बन है वो ब्रांच्ड है, इस टाइप से हमारे पास एल्डिहाइड हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। थर्ड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है हमारा, कि जो ये सब्स्टिट्यूटेड वाला कार्बन है ये दूसरी पोजीशन पे हो, यानी कि ये कहाँ पे हो, इस वाले कार्बन के साथ हो। तो यहाँ पे CH2O हो और यहाँ पे एल्डिहाइड, तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे पास। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे एल्डिहाइड की, ये हमारा एल्डिहाइड है और जो बाकी के कार्बन है वो सब्स्टिट्यूटेड हो इस टाइप से। टोटल हमारे पास कितने एल्डिहाइड बन गए, चार एल्डिहाइड। तो हम बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन हम कितने टाइप के बना सकते हैं, कीटोन वो होंगे जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा और दोनों साइड सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि अल्काइल ग्रुप्स होंगे। तो कीटोन हम कितने टाइप के बना सकते हैं, या तो तब बनाएंगे हम जब हमारे पास पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में हो, और कीटोन लास्ट वाले पे तो बन नहीं सकता क्योंकि एल्डिहाइड हो जाएगा। तो कीटोन बनाने के लिए हमें सेकेंड वाले कार्बन पे अटैच करना पड़ेगा ऑक्सीजन। तो एक पॉसिबिलिटी हो गई है कीटोन की। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कीटोन की, जब हमारा कीटोन जो है वो बीच वाले कार्बन पे हो इस टाइप से। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कीटोन फॉर्मेशन की। या फिर कीटोन हमारा कैसे फॉर्म हो सकता है, अगर हमारी स्ट्रेट चेन ना होकर ब्रांच चेन हो। सपोज चार कार्बन की चेन है और सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन लगा दिया हमने और एक ब्रांच्ड हमने कार्बन ऐसे शो कर दिया। तो ये हमारी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कीटोन की। टोटल स्ट्रक्चर हमारे कितने बन गए, एल्डिहाइड के फोर और कीटोन के थ्री, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4 + 3, यानी कि 7 पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो पॉसिबल एल्डिहाइड एंड कीटोन आइसोमेरिक हमने कितने बना दिए, 7। सो आंसर विल बी ऑप्शन 4, 7। सम रेफरेंस देख सकते हैं एनसीईआरटी में, पेज 340। थैंक यू।